बच्चों अब बात करेंगे हम विद्युत शक्ति, हालांकि उसे पढ़ चुके हैं पहले कि किसी विद्युत परिपथ, विद्युत शक्ति है तो विद्युत परिपथ की बात है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। इसे हम उसे पी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका सूत्र जो होता है पी बराबर डब्ल्यू ओवर के, ये पहले पढ़ चुके हो विद्युत ऊर्जा का। और देखो पी का मात्रक बनाए तो वो एक कार्य का मात्रक दूर प्रति समय का मात्रक सेकंड, तो शक्ति का मात्रक हो गया दूर प्रति सेकंड, और यह इसी को हम कहते हैं वाट। जो अभी मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात करी वाट, वाट की जगह लिखा था ना जूल प्रति सेकंड, तो वो जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहते हैं। तो ये आपकी शक्ति हो गई, लेकिन शक्ति का जो सूत्र है डब्ल्यू बटे टी, देखो हम इसको और रूपों में भी बदल सकते हैं डब्ल्यू के विभिन्न सूत्र लगाकर। जैसे यदि हम डब्ल्यू बराबर जैसे लगा रहे हैं वी आई टी, तो पी का सूत्र क्या होगा, देखो वी आई टी बटे टी, तो टी से टी कट गया, तो शक्ति का सूत्र हो गया पी बराबर वी आई टी। नंबर दो, यदि हम डब्ल्यू का सूत्र यूज कर रहे हैं आई स्क्वायर आर टी, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का मान इस सूत्र में ऊपर लगाया आई स्क्वायर आर टी बटे टी, डब्ल्यू का मान लगा दिया ऊपर बटे टी, टी से टी कट गया, तो पी का सूत्र आई स्क्वायर आर। ऐसे ही तीसरा, डब्ल्यू का सूत्र हमने यूज करा मान लो वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी, तो पी बराबर डब्ल्यू बटे टी, डब्ल्यू का मान लगाओ वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी बटे टी डब्ल्यू बटे टी, तो टी से टी कटा, तो पी बराबर हो गया वी स्क्वायर बटे आर। तो इस ढंग से ध्यान दें कार्य के जो तीनों सूत्र थे उनसे हम चाहें तो शक्ति के ये सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शक्ति जो होती है, ध्यान देना बच्चों, इसके अतिरिक्त वाट के अतिरिक्त शक्ति के और भी बड़े मात्रक होते हैं जिन्हें कहते हैं किलो वाट। जैसे हम घर का जो विद्युत कनेक्शन लेते हैं, जब हमारे घरों का जो विद्युत कनेक्शन लिया जाता है वो किलो वाट में होता है, तो उसमें और ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है, और एक किलो वाट में होते हैं 1000 वाट। जो ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं घर के बाहर लगे हुए, जिनसे ट्रांसफार्मर से एक एक ट्रांसफार्मर से 100-200 घरों में ऊर्जा जाती है, तो उसकी ऊर्जा नापते हैं मेगावाट, और एक मेगावाट में होते हैं 10^6 वाट। और एक मात्रक और आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा अश्व शक्ति, हॉर्स पावर HP, और अश्व शक्ति में होते हैं 746 वाट। और अश्व शक्ति में ये घरों में जो पानी खींचने वाली मोटर्स होती हैं या जनरेटर होते हैं उनकी पावर हम अधिकतर लिखी देख सकते हैं, पावर शक्ति जो जनरेटर वगैरह पे या पानी खींचने वाले जो पंपिंग सेट होते हैं उस पर आप कई बार लिखा देख सकते हो HP लिखा हुआ मिल जाता है, 2 HP या 3 HP, तो HP का मतलब वही अश्व शक्ति है। तो जिसमें अगर 2 HP या 3 HP लिखा है तो उसका मतलब है उसमें से 1 HP की वैल्यू 746 वाट है। तो जैसे 1 HP में 746 वाट होते हैं, मान लो मीटर पर लिखा है 2 HP, तो उसका मतलब 746 में गुणा 2 करो और जो आंसर आएगा वो उतने वाट का मोटर है।